नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर में गुरुवार को विद्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक भावपूर्ण ढंग से मनाया गया। आई विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात राष्ट्रगान हुआ और वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारों के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने से पूरा वातावरण देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया। एल इसके बाद बच्चों ने पीटी की और पिरामिड बनाकर झंडे को सलामी दी। एल इस दौरान चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने बच्चों को अपने देश की सेवा करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें अपनी आज़ादी को सफल बनाना है, आए और अच्छा नागरिक बनकर दिखाना है। विद्यालय की डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया अपने देश की सेवा के लिए बच्चों को उत्साहित करते हुए वहां पर उपस्थित सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। एल विद्यालय की इंचार्ज शिल्पी अग्रवाल एवं किंडरगार्टन इंचार्ज माधवी सिंह ने बच्चों को अपनी मेहनत लगन से निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना की। एल सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस
का ये जो दिन है ये मेनली उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है जो बहुत से मजदूरों, गरीबों, किसानों ने बहुत मेहनत करके, अपनी जान की बाजी लगा के, बहुत सी लाठियां खा के अपने पौरुष से इस देश को आज़ाद करवाया। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें आज़ादी जब किसी भी देश को मिलती है उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है वहाँ के नागरिकों पे। ये आज़ादी बनी रहे, देश उत्तर उत्तर तरक्की करता रहे, उसके लिए हमें अपने को तन मन धन से इस देश की सेवा में लगाना होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी हमें प्रोत्साहित करना होगा कि वो किस प्रकार से अपना सर्वस्व इस देश की प्रगति के लिए दे सकते हैं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ झुक कर करें उन्हें सलाम जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। खुश नसीब होता है वो जिसका खून वतन के काम आया है। इसी के साथ हम आप सभी देशवासियों को, आजमगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी से यह अपील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का यह आग्रह है आप सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने घर घर तिरंगा लहराएं, हर घर पे तिरंगा फहराएं। यही अपील हम आप सभी से करना चाहते हैं क्योंकि यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरवशाली क्षण है जिसको हम सभी लोग मना रहे हैं, क्योंकि यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह हमारे बहुत से शहीदों की शहादत से मिली है। उनकी शहादत को नमन करते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को एक बार फिर से जयकारे के साथ भारत माता की जय। आई एम अवंतिका खंडेलिया, डायरेक्टर ऑफ डालिम सनबीम स्कूल एंड हियर आई वुड लाइक टू विश अप फ्रॉम माई टीम एंड फ्रॉम माई सेल्फ अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर ऑन 15th of August 2024, we are going to celebrate our 78th year of independence from the Britishers. Under the theme of Viksit Bharat that has been given by our ongoing government under the influence of transforming our nation by 2047, where our India is going to mark 100 years of Independence Day. So let's not take this day as a normal holiday, but we should all remember our freedom fighters, those who gave up their life, sacrificed their life, shed their blood to give us a better future. We are sitting here, we are breathing with a better life, with a better future. So let's not take this day granted. So as an educator, we would always strive to give a better future, build a better future, a better place to live, and also preserve our nation pride and its honor. This is all from my side. Wish you a very happy Independence Day again. Jai Hind, Jai Bharat. स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी अभिभावकों, बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, जनपद वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी अपने संस्थानों पर, अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसमें अपना योगदान दें। एक अच्छे नागरिक बन करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, जबकि शासन और संगठन दोनों की तरफ से तिरंगा मुक्त में दिया जा रहा है। आप सब अपने घरों पर तिरंगा लगाकर धूमधाम से 15 अगस्त मनाएं। आप सबको पुनः एक बार 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर समस्त नगरवासियों को
विद्यालय की समस्त छात्राओं को, विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि यह पर्व राष्ट्रीय पर्व है, इसको उल्लास और हर्ष के साथ मनाएं। एक बार पुनः सभी जनपद के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।